हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने में नाकाम भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस का प्रदर्शन जिला एवं शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर हुआ। जिला अध्यक्ष आशीष कुमार सिंह के नेतृत्व में धरना दिया गया। इसके पश्चात नगर पुलिस क्षेत्राधिकारी राकेश वशिष्ठ के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया। मांग है कि उत्तर प्रदेश में हाथरस की बेटी के साथ जो अन्याय हुआ है, उस अन्याय को लेकर भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था पर विफल है, ये साबित हो गया और योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा देना चाहिए, हमारी मांग है। आप देख रहे हो कि ये वो सरकार है जो कंगना रनौत को वाइफ का सिक्योरिटी दे रही है और उसी सरकार में बेटियाँ जो हैं उनकी गर्दन की हड्डी तोड़कर, रीढ़ की हड्डी तोड़कर निर्मम और विभत्स तरीके से दरिंदगी करके उनकी हत्याएं हो रही हैं और सरकार चुप है। चुप सरकार भी है और अफसोस इस बात का की है, अफसोस इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक, भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा के साथी, उनकी भी संवेदनाएं नहीं जाग रही हैं। 19 वर्षीय बेटी के साथ दरिंदगी की गई, 8 दिन तक गैंगरेप की धारा नहीं जोड़ी गई, पीड़िता पर बयान बदलने का दबाव बनाया गया। सरकार के अफसरों ने घटना को दबाने और झूठा साबित करने की कोशिश की, जबकि रेप के बाद खौफनाक यातनाएं बेटी को दी गई। गर्दन, रीढ़ की हड्डी टूटी थी, जीभ कटी थी, सबके साक्ष्य हैं। इतना ही नहीं, प्रशासन की दमनकारी नीति देखिए। मौत के बाद बेटी का अंतिम संस्कार भी उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार ने उसके परिवार को नहीं करने दिया। द पंचौरा न्यूज के लिए हरदोई से आशीष सिंह की रिपोर्ट। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जुड़े रहिए अपने शहरों की खबरों के संसार के साथ, पंचौरा न्यूज़ के साथ।